मन मार के ठाक न पाए, मन पत्सों प्रगट जाए, मन मगन चले पंथ, मन धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मनीय दियां चार पौड़ियां दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मन लैण दी महानता दसते पए ने। उस नूं मन लैणा जेदा कोई रंग नहीं, जेदा कोई रूप नहीं, उस नूं मन लैणा जो मन तो परे, बुद्ध तो परे, बाणी तो परे, उस नूं मन लैणा जो इंद्रियां तो परे, जिस नूं आगम अगोचर करके आख्या है, जो पूर्ण रूप विच कल्पना विच भी ना आ सके, ऐसा अदृश्य अगोचर उस नूं मन लैणा बहुत वड्डी जुर्रत दी गल है, हिम्मत दी गल है। मन लैण दी अवस्था बन सके लगातार पहले सुनना पैंदा है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच सुनन दी जितनी महानता है, उतनी ही महानता मन लैण दी। सुनना पहला कदम, मनना दूसरा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने, परमात्मा दा नाम कालख तो रहत है। एक गल नूं मनीये दियां चार पौड़ियां विच सतगुरुदेव जी महाराज ने बार बार दोहराया, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। परमात्मा कालख तो रहत है, धबियां तो रहत है, निर्लेप है। पर इस दी निर्लेपता दा उदों ही पता चलेगा कोई मन लवे, उसनों पूर्ण तौर ते भरोसा कर लवे, जां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। भरोसा बन जाए, विश्वास बन जाए। संसार ते संसा नहीं पैदा हुंदा, निरंकार ते संसे जन्म लेंदे ने। कोई मनुख ए आखे भी सूरज है, तो मनुख फौरन मन लेंदा हां है। चंद्रमा हैगा है, मनुख फौरन कह देंदा हां चंद्रमा है, मनुख हैगे ने, धरती हैगी है, ग्रह नक्षत्र हैगे ने। अगर कोई ये आखे परमात्मा है, तो मनुख उतने भरोसे नाल, उतनी हिम्मत नाल, उतनी जुर्रत नाल नहीं कहंदा कि है। कारण सूरज दी तरह ओ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देंदा, संसार दी तरह ओ प्रत्यक्ष विद्यमान दिखाई नहीं देंदा। तो संसा फौरन पैदा हो जांदा है कि नहीं, ये दो पासे दी धावना अंदर फौरन जन्म लेंदी है। और ये संसया करके ही मनुख दा मन मलीन है, और ये संसे रोज रोज वद्दे ने, और रोज ईश्वर प्रति इनकारी जज्बे जन्म लेंदे ने। सन से जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। गुरु अमरदास जी महाराज दा फरमान, मनुख दे अंतिशकरण ते मैल संस्या दी है, ते संस्या केवल परमात्मा ते है, संसार ते नहीं है। संसा सच ते है, झूठ ते नहीं है। संसा संतोख ते है, लोभ ते नहीं है। अगर कोई मनुख ऐसा आखे भई फलाना लोभी है, बंदा एकदम भरोसा कर लेंदा हां होवेगा। अगर कोई ये आखे फलाना संतोखी है, तो मनुख सोचदा शायद, संसा खड़ा हो जांदा है। अगर कोई ये आखे भई फलाना बंदा बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, ते मनुख बिना सबूत तो भी मन लेंदा है, ठीक है क्रोधी है। अगर कह दईए फलाना बहुत निर्मल है, फलाना बड़ा शांत है, तो मनुख कहिंदा शायद होवेगा।
शायद लफ्ज़ दा जन्म होना एकदम गल सिद्ध हो गई कि पूर्ण भरोसा नहीं जमया। अगर यह आख्या जाए फलाना बिल्कुल झूठा है, दगेबाज है, मक्कार है, मनुख फौरन मन लेंदा है, बिना सबूत तो मन लेंदा है, बिना प्रमाण तो मन लेंदा है। पर कह दईए फलाना सत्यवादी है, धीरजवान है, खिमावान है, तो मनुख कहिंदा शायद होवेगा, शायद ही होवे। तो सच देते संसे खड़े हो जाते, गुणा ते संसे खड़े हो जाते, परमात्मा ते संसे खड़े हो जाते, संसार ते संसा खड़ा नहीं होता। संसार दी कोई रूपरेखा मनुख दे सामने रखी, संसार तो मुराद मिथ्या, संसार तो मुराद झूठ, कूड़ सब संसार। तो कूड़ी गल संसार दी कोई गल करिए मनुख नू फौरन भरोसा बजदा, मनुख दा फौरन यकीन बजदा। पर परमात्मा दी चर्चा छेड़िए, परमात्मा दी गल करिए, भरोसा नहीं बनता, विश्वास नहीं जमदा, सिदक नहीं बैठदा, और मनुख दे अंदर इनकारी जज्बे पैदा होंदे ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जदों भरोसा बजदा है अनुभव प्रकाश दा जन्म भी उदों ही होंदा है। जां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। तो परमात्मा दा नाम ऐसा निर्लेप है, कालक तो रहत है, पर ए असलियत ओही जानदा है जिसने मन लिया, इस रस नू ओही जानदा है जिसने मन लिया। मन लैण वाले दी होर की दशा बन सकदी है? सतगुरुदेव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान करदे ने, मन ने मार्ग ठाक ना पाए। जो परमात्मा दे नाम नू मन लैंदे ने उन्हां नू मार्ग दे च ठगया नहीं जा सकदा, उस नू किसे तरह दी भी रोक नहीं पैंदी, कोई भी विघन रस्ते दे च खड़ा नहीं होंदा। क्यों? विघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ाया खोए पाप, भय सब पावन जन नानक सुख घर आया। विघन ही रोक है, कर रहे हैं कोई कम विघन पै गया तो विघन ही रोक है, विघन ही ठाक है। परमात्मा दे नाम नू जो मन लेंदे ने कोई रोक नहीं खड़ी आउंदी, कोई विघन नहीं खड़ा आउंदा। और जो मन्ने ना उदे बारे ते पातशाह दी बाणी फरमान कर दी है, कोट विघन तिस लागते जिसनू बिसरे नाव, नानक अन दिन बिलपते जिन सुन्ये घर काओ। एक विघन नहीं, विघन ते विघन खड़ा होवेगा, और करोड़ा तरह दे विघन, करोड़ा तरह दियां रोकां रस्ते दे खड़ियां हो जांदियां ने। कोई कम करन लगा है, रोक खड़ी हो गई, किसे पासे जान लगा है, रोक खड़ी हो गई, कोई तामीर करन लगा है, रोक खड़ी हो गई, विघन है। पर जो परमात्मा दे नाम नू मन लैंदे ने, मन लैण वाले नू इतना अनुभव प्रकाश मिल जांदा है कि उस दे मार्ग दे च रोक नहीं पैंदी, ठाक नहीं पैंदी, कोई उस नू रोक नहीं सकदा। ओ ऐन सहजे प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, किसे विकार दे च जुर्रत नहीं, को विघन दी तरह अभ्यासी दे सामने खड़ा हो जाए, पत्थर दी तरह रस्ता रोक लवे, ऐसा नहीं। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मन ने पत सो परगट जाए। जो परमात्मा दे नाम नू मन लैंदा है, भरोसा कर लैंदा है, सिदक बच जांदा है, वो इज्जत दे नाल दरगाह दे च जांदा है, परिपूर्ण परमात्मा दे देश जांदा है। मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म सेती सनबंध। जो परमात्मा दे नाम नू मन लेंदे ने वो छोटे छोटे संप्रदावां दे चक्कर दे च नहीं पैंदे, वो मजहबी दायरियां दी बंदिश दे च नहीं पैंदे। साहिबां दा वाक सलोक वारां तो वधीक दे च, पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराए के पौंदे नरक अंधार।
ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੋ ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਉਸ ਮਗ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਸਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ